नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 11वीं हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा पेपर। दोस्तों आपका जो पेपर हिंदी का पेपर होने वाला है 13 सितंबर को। बिल्कुल दोस्तों यही पेपर आने वाला आपकी परीक्षा में, यह 100% रियल पेपर है। आपको इस पेपर का सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो यहाँ पर देख लिया, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 80 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का। इस पेपर में टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश यहाँ पर दिए गए, इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद आपको इस पेपर के नीचे यहाँ पर कोड भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इस पेपर का पहला क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प का चयन कर लिखे, आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले। तो हमारा पहला सही विकल्प दिया है, मेरा भाई ने कौन सी बेली बोई है, इसमें आपको लिखना है बा वाला प्रेम की। उसके बाद दूसरा देख लेगा, करुण रस का स्थायी भाव है, इसमें आपको लिखना है आ वाला शोक। उसके बाद तीसरा देख लेगा, नमक की गाड़ियां जा रही थी, इसमें आपको लिखना है यहाँ पर सा वाला कानपुर। उसके बाद चौथा देख लेगा, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो यहाँ पर इसमें आपको लिखना है दा वाला 8 प्रकार के। उसके बाद पांचवा देख लेगा, लता मंगेशकर के पिता का नाम था, इसमें आपको लिखना है आ वाला दीनानाथ मंगेशकर। उसके बाद छठा देख लिया, बायोडाटा की भाषा होनी चाहिए, इसमें आपको लिखना है बा वाला सरल एवं सीधी, ठीक है, जिससे आपके 6 नंबर पर सही विकल्प कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद इस पेपर का हमारा क्वेश्चन 2 देख लेगा, लिख सालों में सही विकल्प का चयन कर लिखिए, या आपके प्रश्न 7 नंबर के यहां पर खालतन पूछे जाने वाले, जैसे हमारा पहला दिया है कबीर भक्ति काल की खालतान धारा के कवि है, इसमें आपको लिखना है निर्गुण लिखना है। और दूसरा देखिएगा, कवि के पिता को खालतान व्याप्त नहीं हुआ, इसमें आपको बोड़ा पर लिखना है। और तीसरा देखिएगा, सूर्य डूब गया मैं खालतान सब शक्ति है, इसमें आपको लिखना है व्यंजना लिखना है। उसके बाद चौथा देखिएगा, मियाँ नसीरुद्दीन के पिता का नाम खालतान था, इसमें आपको लिखना है मियाँ बरकत लिखना है। उसके बाद आपका पांचवा देखिएगा, सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहा जाता है, ठीक है, इसमें आपको राजभाषा लिखना है। उसके बाद छठा देखिएगा, संगीत के क्षेत्र में लय खालतान प्रकार की होते है, इसमें आपको लिखना है यहाँ पर 3 लिखना है। उसके बाद यहाँ पर चेटा सॉरी यहाँ पर 7वां देखिएगा, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र खालतान है, इसमें आपको उदाहरण मार्तन लिखना है, ठीक है, जिससे आपको 7 नंबर यहाँ पर खालतान के कंपेयर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 देखिएगा, सही जोड़ी बनाकर लिखिए, ये आपके प्रश्न 6 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाले। तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा, परिताप में आपका हो जाएगा यहाँ पर अत्यधिक दुख हो जाएगा, राजस्थान के रजत बुंदे में हमारा हो जाएगा अनुपम मिस हो जाएगा, अनौपचारिक पत्र में हमारा हो जाएगा यहाँ पर मैत्री भाव हो जाएगा, मुख में हमारा हो जाएगा मोह हो जाएगा, और साकेत में हमारा हो जाएगा यहाँ पर, साकेत हमारा क्या होता है यहाँ पर महाकाव्य होता है, ठीक है, और कुल की कहानी का मतलब होता है यहाँ पर परिवार की मर्यादा होता है। अब यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन 3 का आंसर अच्छे से बता देता हूँ, जिसमें आपको सही जोड़ का मिलान करना था, तो यहाँ पर सही जोड़ का मिलान कर लीजिएगा, ये हमारा सही जोड़ का मिलान हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये हमारा सही जोड़ का मिलान हो जाएगा क्वेश्चन 3 का आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा जो हमारा अगला क्वेश्चन पूछने वाला है इस पेपर का, जिसमें आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको एक वाक्य में आपको उत्तर देना है, आपकी परीक्षा में 7 नंबर का पूछने जाने वाला है, जिसका हमारा पहला दिया है जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है, दूसरा दिया हमारा बिंब विधान का एक उदाहरण लिखिए, तीसरा दिया हमारा अप्पू की माँ का क्या नाम था, चौथा दिया हमारा सार संप्रेषण का अर्थ लिखिए, पांचवा दिया हमारा एरोला की गुफाएं कब तैयार की गई, छठा दिया हमारा भारत की पहली मुख्य फिल्म का नाम क्या था, उसके बाद सातवा दिया हमारा कवि दुष्यंत कुमार किसका बात के लिए बेकराल है। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर अच्छे से बता देते हैं, यहाँ पर देख लेगा, यह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। पहले में आपको लिखना है संसार के माया रूप, ठीक है, उसके बाद दूसरे में आपको लिखना है बिजली सा जपट, उसके बाद यहाँ पर तीसरे में आपको लिखना है यहाँ पर सर्वजया लिखना है, और चौथे में आपको ये यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, चौथे का आंसर। उसके बाद पाँचवा देख लेगा 600 से लेकर 1000 ईस्वी में, उसके बाद 7वें यहाँ पर छठे में आपको लिखना है राजा हरिश्चंद्र लिखना है, और 7वें आपको लिखना है आवाज में असर के लिए, ठीक है, जिससे आपके 7 नंबर यहाँ पर आपके एक वाक्य के कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन 5 देख लिया, सत्य असत्य लिखिए, ये आपकी परीक्षा 6 नंबर का आने वाले, जिसका हमारा पहला दिया कबीर ने ईश्वर को एक ही माना है, ये हमारा हो जाएगा सत्य हो जाएगा। विवाह 2 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल होते हैं, एक तो हमारा उद्दीपन होता है, एक हमारा आलम्बन होता है, तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। तीसरा देख लिया मुंशी वंशीधर के पिता उन्हें ईमानदार का पाठ पढ़ाते थे, हमारा हो जाएगा सत्य हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल होते हैं, हमारा सत्य हो जाएगा। और यहाँ पर 5वां देख लिया संगीत का क्षेत्र विस्तीर्ण नहीं, हमारा सत्य हो जाएगा। और यहाँ पर 6वां भी हमारा हो जाएगा सत्य हो जाएगा, ठीक है, जिससे आपके 6 नंबर आज से कंप्लीट होंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा देख लिया 2 नंबर क्वेश्चन दिए, भक्ति काल की
को हिंदी साहित्य का संयुग क्यों कहा गया? तो क्वेश्चन निकला जीति काल को संगार काल क्यों कहा गया? उसके बाद सातवां क्वेश्चन निकले कवि ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा? तो क्वेश्चन निकला उम्र भर के लिए पलायन क्यों करना चाहते हैं? उसके बाद आठवां क्वेश्चन निकला महाकाव्य और खंडकाव्य में आपको अंतर बताना है। तो क्वेश्चन निकला स्थायी भाव और व्यभिचारी भाव में आपको अंतर लिखना है, जिसका दो नवे आंसर कंप्लीट होंगे। उसके बाद इस पेपर का हमारा नौवां क्वेश्चन निकला क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? एक उदाहरण लिखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा शब्द युग्म किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है? यहाँ पर 10 क्वेश्चन दिया भारतेंदु युग के गद्य की दो विशेषता लिखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा द्विवेदी युग के गद्य की आपको दो विशेषता बताना है। उसके बाद 11 क्वेश्चन दिया मुंशी वंशीधर ने अपना मित्र और पत्सक किसे बनाए आपको बताना है। तो क्वेश्चन देख लेगा। उसके बाद 12 क्वेश्चन दिया हमारा और 13 क्वेश्चन यहाँ पर दिया 14 क्वेश्चन देख लेगा। उसके बाद 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिए इन क्वेश्चन के आंसर को। उसके बाद इस पेपर का हमारा 17 क्वेश्चन देख लेगा। 17 क्वेश्चन आपको क्या दिया आप देखिएगा। इस क्वेश्चन आपको निम्नलिखित बिंदु के आधार पर मनुमंडल अथवा शेखर जोशी का साहित्यिक परिचय आपको लिखना है, ठीक है। दो रचना आपको लिखना है और भाषा शैली आपको लिखना है, साहित्य मिश्रण आपको देना है। उसके बाद यहाँ पर 18 क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय का भाव पलवन कीजिएगा। इसमें आपको चरित्र सबसे बड़ा धन है, दूसरा आपका दिया सब उन्नति का मूल धर्म है। आपको दोनों में से एक विषय आपको क्या करना है? भाव पलवन करना है। उसके साथ यहाँ पर 19 क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित अपटीर गद्यांश काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर लिखिए। ये आपके प्रश्न 3 नंबर का है या फिर के नंबर है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको तीनों क्वेश्चन का जवाब आपको ऐसे याद कर लिखना है, ठीक है। जैसे कि यहां पर तीसरा क्वेश्चन दिया निरंतर, निरंतर का इसका विलोम बताना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर देख लीजिएगा इसका आठवां क्वेश्चन नंबर दिया है, यहां पर देख लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 20 क्वेश्चन देख लिया, 20 क्वेश्चन आपको क्या करना है यहाँ पर देख लिया, 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या करना है? पद्यान दिया है जिसका भावार्थ है संदर्भ प्रसंग से आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर 21 क्वेश्चन देख लिया, इसमें आपको क्या करना है? गद्यान दिया है, इसमें आपको संदर्भ प्रसंग एवं विशेष आपको लिखना है, ठीक है, जिससे आपके 21 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इस पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन देख लिया, यहाँ पर हमारा 22 क्वेश्चन दिया है परीक्षा काल में ध्वनि विस्तर यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने तो जिलाधीश को प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। तो क्वेश्चन देख लिया बड़ी बहन के विवाह में आमंत्रित करने हेतु मित्र को पत्र लिखिए। 23 क्वेश्चन लिखा निम्नलिखित विषयों में से किस एक विषय पर आपको रूपरेखा सहित आपको निबंध लिखना है, ठीक है, जिससे आपके 4 नंबर से कंप्लीट हो जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा कक्षा 11वीं का यहाँ पर 100% क्या, यहाँ पर 1000 से लेकर 1,00,000 गुना तक यहाँ पर हमारा 100% जीएल वाला पेपर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। इस पेपर को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।